अभी क्या है कि नॉलेज बढ़ाना तो अच्छी बात है लेकिन सिर्फ नॉलेज आपने ले ली और नॉलेज को आप का, काम में नहीं लगाएंगे तब तो काम चलेगा नहीं आपको तो नॉलेज को काम में लगाने की जरूरत है तो मैसिव एक्शन लेने की जरूरत है आप देखिए मान लीजिए अगर आप आ, मतलब पानी में उतर गए हैं और अगर आप हाथ पैर नहीं चलाएंगे पैर नहीं चलाएंगे तो आप तो डूब जाएंगे आप बोलेंगे नहीं हम धीरे धीरे पैर चलाएंगे या हम पैर हर एक दो मिनट में एक बार चलाएंगे तो क्या होगा पूरी गारंटी है कि आप डूब जाएंगे है ना आपको अगर डूबना नहीं है तो आपको पैर चलाते रहना है आपको हाथ चलाते रहना है आपको फेफड़े के अंदर सांस भर के रखना है है ना अगर ये आप सोचेंगे कि नहीं अभी हम सांस छोड़ देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वापस ले लेंगे कुछ देर सांस रोक के रखते हैं तो लंबे समय में हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है तो इस वजह से आपको मैसिव एक्शन लेने की जरूरत है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत से ना कभी भी बहुत बड़ा काम नहीं होगा आपको तेजी से करने हमारा वीकली प्लान है वीकली प्लान में अगर आप तेजी से काम करते हैं तेजी से एक्शन लेते हैं तो आपका रैंक तेजी से आगे बढ़ेगा अगर आप स्लोली स्लोली काम करेंगे तो स्लोली स्लोली आगे बढ़ेगा हम चाहते हैं रेनेटस मैनेजमेंट चाहता है कि आप तेजी से आगे बढ़े इस वजह से आपको तो मैसिव एक्शन लेने की जरूरत है है ना ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत है और हर कोई जो है वो स्वर्ग में जाना चाहता है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है मरना कोई नहीं चाहता लेकिन स्वर्ग में सब जाना चाहते हैं हर कोई चाहता है कि उनके उनकी इनकम बढ़ जाए कोई आमदनी बढ़ जाए प्रॉफिट बढ़ 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 जाए 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 बोनस कमीशन रैंक नया हो लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो मेहनत नहीं करना चाहते जितने लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा जितने लोगों से बात करनी पड़ेगी जितने लोगों को सिखाना पड़ेगा आगे लोगों को प्लान दिखाने के लिए वो करने के लिए तैयार नहीं हो पाते तो हम जब तक मैसिव एक्शन नहीं लेंगे तब तक हमारे लिए कुछ बड़ा नहीं होने वाला आपको मैसिव एक्शन लेना अनिवार्य है आप देख लीजिए कि आप किसी भी श्रेणी में आगे जाएं आपको मैसिव एक्शन लेने की जरूरत है अगर आपको आईपीएस या आईएएस बनना है तो आपको मैसिव एक्शन लेने की जरूरत है आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम पास करनी है या आपको डॉक्टरी की एंट्रेंस एग्जाम पास करनी है तो आपको मैसिव पढ़ाई करने की जरूरत है थोड़ा बहुत से नहीं चलेगा मैसिव पढ़ाई लिखाई करना है आपको अगर किसी भी श्रेणी में आप देखिए कि जो लोग फिल्म स्टार हैं जो लोग मतलब बहुत मेहनत करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए वो Osionfish. हर किसी के पास जाते हैं हर किसी के पास हर किसी के पास हर डायरेक्टर के, के पास काम मांगने जाते हैं कहीं तो कुछ मिल जाएगा तो वो लोग मैसिव एक्शन सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं लगे रहते हैं लगे है रहते, ना तो आपको मैसिव एक्शन के लेने की जरूरत है अगर आप सोने को खोद रहे खजाने को खोद रहे तो खजाने का घड़ा तो छोटा सा होगा लेकिन इतने से खजाने को निकालने के लिए इतने से खजाने को निकालने के लिए आपको ज्यादा क्या खोदना पड़ेगा मिट्टी खोदनी पड़ेगी ज्यादा जब आप मिट्टी खोदना शुरू करेंगे तो ज्यादा क्या निकलेगा खजाना या मिट्टी ज्यादा तो मिट्टी ही निकलेगी लेकिन आप याद रखिए कि आप कुछ अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढ रहे हैं आप कुछ कर्तव्यनिष्ठ डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढ रहे हैं आप कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों को ढूंढ रहे हैं उस महत्वाकांक्षी लोगों को ढूंढने के दौरान आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बेकार के लोग हैं जो लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते जिनका जन्म इसलिए हुआ है कि वो लाइफ में कुछ ना कर पाए है ना तो ऐसे लोग से भी आप मिलेंगे समुद्र मंथन जब हुआ था तो सिर्फ अमृत निकला था क्या नहीं कामधेनु निकली थी और पंचरत्न निकले थे नवरत्न निकले थे फिर विष भी निकला था तो जब आप इस बिजनेस का मंथन करेंगे जब बिजनेस में मैसिव एक्शन लेंगे जब इस बिजनेस में जब आप खजाना खोदने के लिए मिट्टी खोदना शुरू करेंगे तो ज्यादा मिट्टी ही निकलेगी सोना तो कम निकलेगा जब आप समुद्र मंथन करेंगे तो अमृत ज्यादा नहीं निकलेगा ज्यादा तो बाकी की सारी चीजें निकलेंगी बहुत कुछ निकलेगा अच्छा बुरा काम का बिना काम का बहुत कुछ निकलेगा ठीक उसी तरह से जब हम नए लोगों से बात करते हैं बिजनेस के बारे में तो क्या हर कोई बिजनेस कर लेगा नहीं समुद्र मंथन की तरह ही है हर कोई नहीं करेगा क्या क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं क्या हर कोई फर्स्ट आ जाता है नहीं बिल्कुल नहीं आपको उस बंदे तक पहुंचना है अगर ताश के बावन पत्ते हैं तो बावन पत्तों में इक्के आपको चार ही मिलेंगे।, मिलेंगे अब वो इक्का हो सकता है आपके पैतालीसवें पत्ते के बाद आए या हो सकता है तीन पत्ते के बाद आ जाए लेकिन ऊपर वाले ने आपके लिए उस उन बावन पत्तों में से चार इक्के आपके लिए चुन के रखे हैं लेकिन कुछ लोग बावन पत्ते खोलने का धैर्य ही नहीं रखते कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हम बावन पत्ते क्यों खोले हमने चार पत्ते खोले हमारा इक्का नहीं आया हमारी गड्डी खराब है हमारे ताश के पत्ते ही बेकार है क्या यह बात वाजिब है आप 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 ही बताइए ऊपर वाले ने आपके लिए अगर आप मेहनत करें बावन लोगों तक पहुंचने की मेहनत करें तो आपके लिए चार इक्के ऊपर वाले ने बना के रखे अगर आप पहला निकालेंगे देखेंगे जोकर आ गया दूसरा निकालेंगे आप देखेंगे हुकुम की तिग्गी आई या मान लीजिए पान का गुलाम आया तो लोग बोलेंगे यार ये क्या पत्ता है यार बेकार हमारे तो घंटी बेकार है ये गलत बात है ऊपर वाले ने आपके बावन पत्तों में आपके लिए डाल रखा है लेकिन आप बावन पत्तों तक पहुंचने की मेहनत तो कीजिए उसके लिए आपको मैसिव एक्शन करना पड़ेगा आपको अगर अमृत के कलश तक पहुंचना है तो आपको विश से होकर गुजरना पड़ेगा आपको कामधेनु से होकर गुजरना पड़ेगा आपको नवरत्न से होकर गुजरना पड़ेगा आपको कल्पतरु से होकर गुजरना पड़ेगा बहुत कुछ निकलेगा मणि निकलेगी और बहुत कुछ निकलेगा पर आपको अमृत चाहिए आपका फोकस अमृत होना चाहिए तब जा मतलब ये सारी मैं क्यों बात बोल रहा हूँ कि आप बहुत सारे लोगों को बात से बात करेंगे आपको आपके मतलब के लोग कुछ ही मिलेंगे और आपको उन्हीं से बिजनेस बिल्ड करना है बाकी जो है वो बेकार वो सब समझ लीजिए बाकी की चीजें हैं मिट्टी है वो उस पर फोकस नहीं करने का अरे मिट्टी निकल गई अरे हम तो खजाना ढूंढ रहे थे बताओ ज्यादा तो मिट्टी निकल रही है ऐसे नहीं होता आपको सोना खोदना है सोना खोद के निकालना है तो ज्यादा तो मिट्टी निकलेगी सोना तो कम निकलेगा तो अगर आप लोगों से नए लोगों से बात कर रहे हो उस दौरान बेकार के लोग ज्यादा मिल रहे हैं तो इसमें हताश होने की जरूरत नहीं है ये तो प्रोसेस का पार्ट है ये प्रोसेस का पार्ट है इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है ज्यादा तो लोग बेकार ही मिलेंगे खुदाई जारी रखनी है, मतलब है? तो मतलब है। तो जब तक वो मिल नहीं जाते तब तक आपको, आपको समुद्र मंथन जारी रखना है जब तक वो मिल नहीं जाते तब तक आपको ताश के पत्ते निकालते रहना है एफर्ट लगाते रहना है बावन पत्ते तक पहुंचेंगे आपको जरूर इक्के मिलेंगे चार जरूर मिलेंगे इसके अलावा जब आप गन्ने का जूस निकालते हैं तो एक के जी गन्ने से एक के जी रस निकलता है क्या कभी भी कभी भी संभव नहीं है आप एक के जी अगर गन्ना डालेंगे वो पेरने वाली वो मशीन में तो आपको हो सकता है चार सौ पांच सौ छह सौ सात सौ ग्राम निकले सात सौ एम एल निकले लेकिन एक के जी गन्ने से कभी भी एक के जी एक लीटर रस नहीं निकल सकता ठीक उसी तरह से जितने भी लोगों से आप बात कर रहे हैं सारे के सारे लोग जुड़ ही नहीं सकते ये असंभव है कभी संभव नहीं है जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे तो उनमें से जो क्रीम है मलाई तो थोड़ा ही निकलेगा आपको उन्हीं को ढूंढना है और उनको तब ढूंढेंगे जब आप दूध को उबालना पड़ेगा उबालना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है आपको गैस के सामने खड़ा रहना पड़ेगा और आपको समय लगेगा वो करने में है ना गन्ने को बार बार घुमा घुमा के डालना पड़ेगा ये मेहनत का काम है अगर आपको गन्ने का जूस चाहिए तो आपको गन्ने को तो बार बार फोल्ड करके मशीन में डालना ही पड़ेगा आप देखिए बिना किए कुछ भी नहीं मिलता बिना किए बिना मेहनत किए मुसीबतें आती हैं सर तो आप मुसीबतें चाहिए या आपको फल चाहिए ये डिसाइड आपको करना है इसके अलावा आपको एक उदाहरण के तौर पे सामने आना है लोगों के सामने क्योंकि अगर आप एक अच्छा उदाहरण के तौर पे अपने डाउनलाइन के सामने आते हैं तो डाउनलाइन जो आपको देखती है वही डाउनलाइन करती है तो आपको एक अच्छा उदाहरण बनना है ताकि आपको डाउनलाइन आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो आपको रेप्लीकेट कर पाए डुप्लीकेट कर पाए आपका की नकल निकाल पाए और बिजनेस में तेजी से आगे जा पाए